ये स्कैम इतना सीरियस है कि इसके अंदर आपको पुलिस या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी हेल्प नहीं करती। तो वो भी देखते हो कि यार ये तो पैसा ये भी बढ़ना शुरू हो गया। और फिर उसने बोला कि जी ये सामान पिकअप करने के लिए जो एजेंट होगा। सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हाँ जी, तो ये है पार्ट टू ऑफ स्कैम्स इन जापान सीरीज का। इससे पहले जो पार्ट वन की वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख सकते हो। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम विकास दीप सिंह है और मैं पिछले 10 से भी ज़्यादा सालों से जापान में रह रहा हूँ। जापान के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ मेरी लाइफ के बारे में, ताकि आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं। देखो, स्कैमर्स हर किसी पे ट्राई करते हैं कि किसी को किसी ना किसी तरह अपने जाल में फंसाया जाए, स्कैम किया जाए। बट मोस्टली जो नए लोग हैं या फिर अनजान लोग हैं वो इनके जालों में फंसते हैं, और बाद में क्या है, अफसोस के बिना कुछ भी नहीं बचता। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कुछ और स्कैम्स जो जापान में ऑफन फॉरनर्स के साथ होते हैं। बार स्कैम, ये स्कैम आज से नहीं बल्कि कई सालों से जापान में चला आ रहा है। अगर मैं टोक्यो की बात करूँ तो शिंजुकू, शिबुया, उएनो और रुपोंगी ये कुछ पॉपुलर एरिया हैं जिनके अंदर ये स्कैम जोरों शोरों से चलता है। जब आप इन एरियाज में घूमने जाते हो तो वहाँ पे आपको रोड पे टाउट्स मिल जाएंगे घूमते हुए। टाउट्स नहीं समझे, दल्ले। हिंदी में कितना चीप लगता है ना, बट यार मीनिंग थोड़ा ना चेंज हो जाएगा टाउट्स और दल्ले का। तो ये जो टाउट्स होते हैं ये बड़े ही स्मार्ट और इंटिमिडेटिंग होते हैं। चांसेस है कि इनको आपकी लैंग्वेज भी आती हो, जैसे हमारे केस में हिंदी के कुछ इनको सेंटेंसेस आते होते हैं, और एक बार आपसे बात शुरू कर दी इन्होंने तो मतलब दे विल ट्राई टू कन्विंस यू। बेसिकली वो क्या कहते हैं कि आओ आप हमारे बार में, वहाँ पे शराब और शबाब का पूरा इंतज़ाम है। अगर गलती से आप इनकी बातों में आ गए और इनके साथ चले गए तो वहाँ पे क्या है, आपको शुरू की एक दो ड्रिंक्स में ही सेट कर देते हैं। पता नहीं क्या मिलाते हैं वो ड्रिंक्स के अंदर, बेसिकली आपका होश नहीं रहता, आपकी आंखें खुली होती हैं, जो वो कहते हैं आप करते जाते हो, और कुछ देर बाद कोई हॉट सी लड़की आके आपकी गोद में बैठी होगी एंड मे बी डूइंग समथिंग। और ये सब होने के बाद जब आपका बिल बन के आता है तब होता है बहुत बड़ा खुलासा। वो बिल हज़ारों से लेके कई लाखों तक का होता है। अगर आप बोलोगे जी मेरे पास तो कैश नहीं है, वो बोलेंगे कोई बात नहीं है, आपका क्रेडिट कार्ड है ना, ये यूज़ करेंगे। क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड। सुबह जब आपको होश आता है तो आपका पर्स खाली होता है, और मेन शॉक तब लगता है जब आपको दो तीन दिन बाद आपकी बैंक की और क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है, जब उसमें देखते हो कि कई लाखों की ट्रांजेक्शन हो चुकी होती हैं। ये स्कैम इतना सीरियस है कि इसके अंदर आपको पुलिस या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी हेल्प नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि दीज ट्रांजेक्शन्स आर ऑथराइज्ड बाय यू ओनली। बेसिकली वो बोलते हैं कि आप ही गए थे ना वहाँ पे स्वाद लेने। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप आओ यहाँ पे, इंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे टाउट्स के मुंह मत लगना, और ऐसे जो शेडी बार होते हैं उनमें भी जाने से अवॉइड करना। नेक्स्ट है क्रिप्टो स्कैम। इस स्कैम में बेसिकली आपको कोई क्यूट सी प्रोफाइल पिक्चर वाली एशियन लड़की, मोस्टली चाइनीज़ होती हैं, आपको रेंडमली लाइन या व्हाट्सएप या वी चैट या टेलीग्राम ऐसे किसी सोशल मीडिया चैटिंग एप्लीकेशन पे आपको मैसेज करेगी। और इनका कांटेक्ट करने का तरीका भी बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। बेसिकली जो लड़की आपको कॉन्टैक्ट करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कोई एंजल प्रिया होती है, कोई फेक होता है जो लड़की बन के आपसे बात करता है। तो वो ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी फलां फलां ने हमें ये नंबर दिया था कि हमने एक्स वाई जी से बात करनी है, क्या आप एक्स वाई जी हो? तो टूर गाइड था, मैं जापान आ रही हूँ 2 महीने बाद। ठीक है जी, तो आप बोलोगे जी नहीं मैं तो टूर गाइड नहीं हूँ। देन शी विल से ओ नो, अब हम कैसे करेंगे, मेरा तो टूर था यहाँ पे, मेरे को घूमने आना था, अब मैं कैसे करूँगी? तो दिस इज़ द वे टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। अगर आपको इंटरेस्ट आ गया तो आप आगे बात करना शुरू करते हो, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग होती है एक कितना लॉन्ग टर्म
प्लान बिल्ड करने की, ये एक दिन में नहीं है, ये कई दिनों में, कई हफ्तों में, कई बार एक एक महीने तक ऐसी चैट्स चलती हैं, ठीक है जी। तो फिर वो आपसे पूछेगी कि जी आप क्या करते हो, क्या जॉब है, कितना पैसा कमा लेते हो, तो आप बताओगे, आप भी पूछोगे उसके बारे में, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे करके देन शी विल टेल कि भी हाँ रिसेंटली मैं इतना मैंने पैसा कमाया, मे बी शी विल सेंड यू सम फोटोज एज वेल, ठीक है, अपनी के भी हाँ मैं लैम्बोर्गिनी चला रही हूँ या फिर फरारी में बैठी हूँ या किसी लैविश होटल में, तो आपका और इंटरेस्ट बनेगा। देन शी विल जस्ट टेल यू के भी एज ए फ्रेंड मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अगर आप चाहो तो भी मैं इस क्रिप्टो एक्सचेंज पे अपना पैसा इन्वेस्ट करती हूँ और ये देखो ये मेरे रिटर्न्स हैं, आपका और इंटरेस्ट बनेगा। अगर वही बात है कि आपका दिल ललचाया और आपका मन किया कि हाँ यार मैं भी रिच बनता हूँ, तो वो बोले कि हाँ ठीक है मैं आपको बता देती हूँ कैसे अकाउंट ओपन होएगा और आप ट्राई करके देखो। इनिशियली आप थोड़ा अमाउंट डालते हो, मे बी 30-40 हज़ार येन, ठीक है जी। वो आपका अमाउंट डालते ही 4-5 दिनों में देखते हो कि यार ये तो डबल ट्रिपल कई गुना हो गया, तो वो फिर आपको बोलेगी कि जी आप इसमें ज़्यादा पैसा डालो तभी बड़ा रिटर्न आएगा, ठीक है। तो फिर आप गलती से वहाँ पे बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हो, ठीक है जी, लाखों में, कई बार मिलियंस में भी, तो वो भी देखते हो कि यार ये तो पैसा ये भी बढ़ना शुरू हो गया, आपको दिखता है एक्सचेंज का जो आपका प्रोफाइल बना हुआ है उसमें पैसा ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है जी। एक टाइम आता है कि वो पैसा मे बी फॉर एग्जांपल 200-300 मिलियन जैपनीज येन पहुंच गया, तो जी आपको लगता है कि लो जी अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए और आप बड़े बड़े सपने देखते हो कि अब तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँगा, बट आपका वो सपना, वो आपके वो सारे जो कहते हैं ना ड्रीम्स, ख्वाहिशें, वो सारी छन से टूट जाती हैं जब आप वो पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हो। वो सिर्फ नंबर आपको दिखाने के लिए होता है, वो नंबर जो आप देखते हो कि इतना प्रॉफिट, वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए होता है। आप वो पैसा जब विड्रॉ करते हो वो पैसा विड्रॉ नहीं होता, बस फिर क्या था, आपका पैसा गया और जो आपकी हमदर्द, आपकी फ्रेंड थी वो भी टाटा बाय बाय। ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ये एक रियल स्टोरी है, मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, इन विच ही लॉस्ट अराउंड 8 लाख जैपनीज येन। तो सावधान रहें, ऐसे क्विक मनी मेकिंग स्कीम बिल्कुल इनसे दूर रहें, और जापान में ये भोले वाले लोगों के लिए बैचलर्स के साथ बहुत होता है। OTP स्कैम, रिसेंटली किसी ने मेरे फ्रेंड के साथ ये स्कैम किया। जैसे हम इंडिया में OLX पे सामान बेचते हैं, इसी तरह जापान में आप क्रैगलिस्ट या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस ग्रुप्स पे आप अपना सामान बेच सकते हो। मेरे फ्रेंड ने अपना कुछ सामान था वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्ट किया कि जो भी उसने अमाउंट डाला था उसी अमाउंट पे किसी ने उनसे वो ख़रीदने के लिए कॉन्टैक्ट किया। कॉन्टैक्ट में बड़े अच्छे से बात करी, पूरे फ्रेंडली होके, और फिर उसने बोला कि जी ये सामान पिकअप करने के लिए जो एजेंट होगा उसको OTP सेंड करना है, तो आपके पास एक OTP आएगा वो आप मेरे को सेंड कर दो सो दैट आई कैन गिव दैट OTP टू द पिकअप एजेंट। अगर आप मेरे फ्रेंड की तरह समझदार हो तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि ये एक स्कैम है और OTP सेंड नहीं करोगे, बट गलती से अगर आपने वो OTP सेंड कर दिया तो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं। आपका फेसबुक या फिर व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है और उसके बाद फिर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको स्कैम कर सकते हैं। तो ये स्कैम बहुत ही सीरियस है, क्योंकि अगर आपका फेसबुक या व्हाट्सएप हैक हो जाता है तो आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, वो बहुत ही वल्नरेबल हैं, वो ईजिली इस स्कैम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो गलती से भी किसी को OTP सेंड नहीं करना अगर आपके पास कोई बोले कि जी OTP आया ये आप मेरे को सेंड कर दो, ठीक है। इंडिया में आई नो हम लोग स्मार्ट हैं, बट जापान के अंदर ये चीज़ें अब होनी शुरू हुई हैं एंड दीज आर वेरी वेरी सीरियस, तो सावधान रहें। हाँ जी, तो ये थे आज के स्कैम्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था।
आप मेरे को कमेंट्स में बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप किसी और स्कैम के बारे में जानना चाहते हो, बिकॉज कुछ और भी ऐसे स्कैम्स हैं जिनके बारे में आपका जानना ज़रूरी है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ये वीडियो शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऑफ कोर्स एक लाइक तो बनता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है जी, मे बी किसी और की हेल्प हो जाए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।